समझ गया, अब समझा कि आप क्यों भाग कर पहुंचे थे। आप वाकई बहुत अकलमंद है। जिंदा रहने के लिए आफाकी साहेब, जिंदा रहने के लिए। जिंदगी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आखिर पैनी साहिबा को किस चीज की कर रही। अमरीका कैनेडा तो वो यूं ही जा सकते थे, लेकिन ये जो वाह वाह की तकरार है ना, इसका नशा कुछ अजीब सा ही जानलेवा। मुझे लगता है कि वो अहमद जरियाब से मोहब्बत करती थी। वो सिर्फ दुख और तन्हाई का शिकार थी, शौहर की तवज्जो नहीं थी। और जरियाब साहब ने उन्हें अपने साथ के सब्ज बाग दिखाए, बस। और वो उनकी बातों में आ गई। इन किन पुरपेच रास्तों से गुजर के आई हुई खातून अहमद जरियाब के दो जुमलों में बहक गई। बाकी साहेब, आप इस सिंफ नाजुक के दिल के हाल को क्या जान। कभी कभी ये छोटी सी बात के लिए सब कुछ छोड़ देते, और कभी सारी जिंदगी का साथ इनको रोक नहीं सकते। बहुत ही परसरार मखलूक है ये जल पर। ये ठीक कह रहे हैं आप। और रिजवी साहब के बदलते तेवर देखे आपने? देख लूंगा रिजवी साहब को, बल्कि देख रहा हूं रिजवी साहब को। आप बेफिक्र रहे, उनका इलाज है मेरे पास। आइए फिर एक सिगरेट बुलाइए। पैनी के नाम, पैनी के गम के नाम।